हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज भी एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि देखिए चारकोल पेंसिल्स के ऊपर ही मेरे पास चारकोल पेंसिल्स है, जो कि कैमलिन की है, आप देख सकते हो। तो ये मैं मार्केट से लेकर आया हूँ और ये मुझे अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। मुझे भी 45-50 रुपीज़ के आसपास मिल गई थी। तो कैमलिन की है, इसमें तीन शेड्स हैं, जो कि तीन ग्रेड है। एक सबसे ज़्यादा डार्क है, जो कि रेड वाला आप देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा डार्क है, हार्ड है ये, और ये मीडियम है, और ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, ब्लू वाला। तो इन तीनों को मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा अभी किस तरीके से ये यूज़ करती है, किस तरीके का वर्क करती है। बैक साइड में भी आपको यही देखने को मिलेगा, चारकोल पेंसिल्स कैमलिन, पीछे कुछ कंपनीज के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी है 55 रुपीज़, लेकिन ये अराउंड आपको 50 या फिर 45 के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं, मैंने भी अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। चलिए, ये देखिए तीन पेंसिल्स है, एक है सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट नेचुरल और हार्ड। देखिए सॉफ्ट वाली सबसे ज़्यादा डार्क होती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मीडियम थोड़ी होती तो इतनी ही है, पर थोड़ी शेड करने में, फेस वेस पर अगर शेड करना हो तो हमें इन दोनों को यूज़ लेते हैं अगर हमें फेस पर शेड करना हो तो। सॉफ्ट को ओनली हेयर में, आइज़ में या बैकग्राउंड में शेड करने के लिए ही इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस जगह पर किसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, आप काफ़ी पहले यूज़ कर चुके हैं। चलिए इनको अब यूज़ करके देखते हैं। एक मैं पेपर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं हार्ड वाली को यूज़ करता हूँ। देखिए इसको लाइटली लाइटली शेड कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। देखिए हार्ड वाली है, हार्ड। इसके मैं डार्क वाली भी कर लेता हूँ, नीचे थोड़ा प्रेशर को देकर भी एक शेड दे लेता हूँ। आप देख सकते हैं हार्ड वाली इतनी डार्क नहीं हो रही है, मीडियम वाली देखते हैं। तो ये मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं, हार्ड वाली से थोड़ी ज़्यादा डार्क है। अब बारी आती है सॉफ्ट वाली की, ब्लू वाली, जो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको ट्राई करते हैं। पहले मैं इसको लाइटली शेड करूँगा। देखिए लाइटली शेड करने पर भी कितना ज़्यादा डार्क हो रहा है, जबकि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ इस पर। तो ये कितना ज़्यादा डार्क हुआ है, इसी का यूज़ करके मैं डार्क भी बना लेता हूँ। देखिए डार्क जो मैंने शेड किया है, ये वाला कितना ज़्यादा डार्क है, सॉफ्ट वाली देखिए आप कितनी ज़्यादा डार्क है। देखिए आप देख सकते हैं यार कितनी ज़्यादा डार्क है सॉफ्ट वाली। तो ये है कुछ चारकोल पेंसिल्स के शेड्स, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शेड किए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डार्क सॉफ्ट वाली है, उससे कम नेचुरल है, और फिर सबसे ज़्यादा कम हार्ड है। ये पेंसिल्स ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है, जो कि मैं आपको ब्लेंड करके दिखा देता हूँ एक बार। ब्लेंड करने के लिए मैं नॉर्मली मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप देखिए कितनी आसानी से ब्लेंड हो रहा है। हार्ड वाले को ब्लेंड करते हैं तो इसका भी चारकोल पाउडर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी देखिए आप कितना स्मूथ ब्लेंड हुआ है। चलिए मीडियम वाले को ब्लेंड करते हैं। कितना स्मूथ ब्लेंड हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जबकि ये मीडियम वाला है। सॉफ्ट वाला देखते हैं। देखिए सॉफ्ट वाला कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। अगर आप इस मेकअप ब्रश के अलावा अगर आप टिश्यू पेपर से ब्लेंड करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा।
अब डार्क वाले को ब्लेंड करते हैं। इसमें देखिए चारकोल पाउडर निकल के आ रहा है बाहर। देखिए इतना कुछ चारकोल पाउडर निकला है। तो ब्लेंड करने पर ये कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली सॉफ्ट वाले को हम आईज़ के अंदर, आईब्रोज और जहाँ भी डार्क एरियाज होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हुआ, पोर्ट्रेट के पीछे का बैकग्राउंड और आईज़ में, हेयर में, वहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे तो हार्ड वाली और नेचुरल वाली जो है, ये दोनों ही ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, ज़्यादा काम नहीं लेते हैं इसको। मैं तो कम ही काम लेता हूँ, कभी कम ही यूज़ में लेता हूँ, बट सॉफ्ट वाली सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि आईज़ वगैरह में उससे ज़्यादा अच्छा शेड होता है। बैकग्राउंड हो, हेयर में कहीं करना हो हमें, तो उससे ऊपर इनका यूज़ कर सकते हैं हम सॉफ्ट वाली पेंसिल्स का। उसके अलावा जो ये दोनों है वो बहुत ही कम यूज़ में आती है। मैं पहले भी एक पैकेट लाया था, उसमें मेरी सिर्फ सॉफ्ट वाली ख़त्म हुई थी, सॉफ्ट वाली यूज़ ली थी मैंने सबसे ज़्यादा। तो ये थी चारकोल की कुछ वीडियो जो मैंने आपको बताया चारकोल पेंसिल्स के बारे में। काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, पॉपुलर भी है, सॉफ्ट वाली सबसे ज़्यादा यूज़ आती है। वैसे कैमलिन की है, अच्छी ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा कैमलिन का। इरेज भी काफ़ी अच्छे से जाती है, चाहे आप कोई सा भी इरेजर लें, नीडेड इरेजर लें या फिर जीरो इरेजर लें, काफ़ी कोई से भी इरेजर से आसानी से इरेज हो जाती है, जैसे मैं आपको इरेज करके बताता हूँ। देखिए आसानी से इरेज हो रही है, नीडेड इरेजर से भी आसानी से इरेज हो जाएगी। देखिए ये देखिए, वैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने की वजह से इसका पाउडर बाहर निकल जाता है, तो ये फेल भी रही है थोड़ी बहुत, जो कि आप देख सकते हैं। इसको रब करते वक्त आपको ध्यान से रब करना पड़ेगा, वरना आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। सो ये थी कुछ मेरी छोटी सी वीडियो, जो कि मैंने आपको पेंसिल्स के बारे में बताया, चारकोल सॉफ्ट और मीडियम और हार्ड पेंसिल्स के बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जरूर जाना, और बेल आइकन, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को पेंसिल्स के बारे में समझ में आया होगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।